ओके, सो वी आर इन द सेकेंड क्लास ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सम नंबर 7. माइक बोरोड ₹16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1.5 ईयर्स. जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो ये 10% कितना हो जाएगा, 5%, और ये 1.5 साल का मतलब कितना हो जाएगा, 3. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू 16,000 ब्रैकेट में 1 + 0.05 होल टू द पावर 3. रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है. कैलकुलेटर निकालो, 1.05 इंटू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इंटू 16,000 इक्वल्स टू, देखिए तो आंसर आ रहा है क्या, 1 + 0.05 इंटू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इंटू 16,000 इक्वल्स टू. ठीक है, क्लियर है पहला सम्स आज का. नेक्स्ट, सैम डिपॉजिटेड ₹32,000 इन अ बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली. मतलब ये 4 बार होगा एक साल में. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, 5% का मतलब हो गया 1.25%. चार परसेंट का मतलब हो गया, 5% का मतलब हो गया 1.25% आफ्टर 6 मंथ्स. तो 6 महीना का मतलब होता है 2 क्वार्टर. 6 महीना का मतलब होता है 2 क्वार्टर. तो 32,000 1 + 0.0125 होल टू द पावर 2. 1.25 को डिवाइडेड बाय 100 करो उतना ही आएगा. तो कैलकुलेटर निकाल के 1 + 0.0125 इंटू इक्वल्स टू इंटू 32,000 इक्वल्स टू 1 + 0.0125 इंटू इक्वल्स टू इंटू 32,000 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ₹32,805. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सम्स को कैसे एनालाइज करना है एग्जाम में. सम नंबर 9. अ सर्टेन सम ऑफ मनी गिव्स ₹510 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12.5%. वर्ड मिसिंग है, लिख लीजिए वहाँ पर, एट 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हम लोग को, और हम लोग को क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, देखो दिमाग से सोचना. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं क्या आराम से. फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + i^2 - 1 है ना. तो 1 + 0.125 इंटू इक्वल्स टू -1, ये मेरा राइट हैंड साइड का फैक्टर आ गया. इसको वहां शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 510 इक्वल्स टू. तो ये आपका x का आंसर आ गया, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 + 0.125 इंटू इक्वल्स टू -1, 1920 आ रहा है. श्योर है आप लोग, अब 1920 के ऊपर 12.5% 2 साल के लिए. सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला वही है, PRT/100. 1920 का 12.5% इंटू 2 कितना आ रहा है, 480 PRT/100. जब परसेंट टिप रहे तो ऑटोमेटिकली बाय 100 भी हो जा रहा है. क्लियर है. नेक्स्ट, ऑन अ सम ऑफ 15,000 फॉर 2 ईयर्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 96, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम. 2 साल का डिफरेंस का शॉर्टकट क्या था, पी
इंटू आई स्क्वायर इक्वल्स टू दो साल का डिफरेंस, तो यहां पी पता है कितना 15,000 इंटू आई स्क्वायर इक्वल्स टू 96, करेक्ट। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 96 बाई 15,000, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 96 बाई 15,000। चलिए अपना अपना कैलकुलेटर निकालिए, 96 डिवाइडेड बाई 15,000 इक्वल्स टू रूट, इक्वल्स टू रूट क्यू, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट इंटू 100 इंटू 100 8% आ गया, इंटू 100 इक्वल्स टू करेंगे तो 8% पर आना आंसर आ जाएगा, इंटू 100 इक्वल्स टू करेंगे तो 8% पर आना आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको ये वाला सम, दो साल का डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया हम लोग। नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर बी 8, 10 and 15% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000। इस टाइप का सम्स के लिए हम लोग के पास स्पेशल टेक्निक है। क्या सर? देखिए, जब आप कैलकुलेटर में 12,000 प्लस 8% प्रेस करेंगे आपको 12,960 दिखाया जाएगा, तो दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ वन ईयर। नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस 10%, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विच इज द प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर प्लस 15%, जो भी रिफ्लेक्ट करेगा वो मेरा अमाउंट हो गया। कितना अमाउंट है? 16394.40, करेक्ट। अब ये मेरा अमाउंट हो गया, इसमें से 12,000 आप माइनस कर दीजिए, इसमें से 12,000 आप माइनस कर दीजिए तो 4394.40 आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। है ना? क्लियर? टेक्निक क्लियर करो, किस सम में क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ दें। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड बाय मायरा फ्रॉम अ बैंक ऑन 16,000 इन 3 ईयर्स, सक्सेसिव ईयर्स का रेट दिया हुआ, तो कैसे करेंगे बोलो। 16,000 पे क्या करेंगे, पहले प्लस 10% प्लस 12% प्लस 15%, कितना आ गया 22,668.8। इसमें से 16,000 माइनस कर दो तो 6,668.80, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपनी ऑफर्स द फॉलोइंग ग्रोइंग रेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली टू द इन्वेस्टर्स ऑन सक्सेसिव ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, 4, 5 and 6%, 4%, 5%, 6%। राज इन्वेस्ट 31,250 फॉर 2 ईयर्स एंड अमैया इन्वेस्ट 25,000 फॉर 3 साल, ठीक है। तो 31,250 प्लस 4% प्लस 5%, और यहाँ पर 25,000 प्लस 4% प्लस 5% प्लस 6% माइनस 25,000, क्योंकि इस सब में गेन पूछा है, इस सब में अमाउंट पूछा है, इस सब में गेन पूछा है, इस सब में अमाउंट पूछा है, इस सब में गेन पूछा है, इस सब में अमाउंट पूछा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 34125, और इस सब में कितना आ रहा है 3938। क्लियर है? तो एक जगह कहीं भी नोट करके लिख लो कि प्रिंसिपल प्लस आर परसेंट टिपने से अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस आर परसेंट टिपने से अमाउंट आ जाएगा हमारे कैलकुलेटर में, पी प्लस आर परसेंट गिव्स अस द अमाउंट, ठीक है, और पी इंटू आर परसेंट करोगे तो आई आएगा, पी प्लस आर परसेंट करोगे तो ए आ जाएगा, और पी इंटू आर परसेंट करोगे तो आई आ जाएगा। क्लियर है? जिसको सीरियल में लंबा मेथड करना है कर सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ मेरे बुक में। नेक्स्ट, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बर्लिन 20,00,000 रुपया है, रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ है 2% 3 साल के बाद पूछा है, तो भैया सीधा सा हिसाब है 20,00,000
ब्रैकेट में 1 प्लस 0.02 पावर में 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.02 इंटू इक्वल्स टू इंटू 20 लाख इक्वल्स टू कितना आ रहा आंसर में 2122416 2122416। सर इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है? हाँ बेटा है, 20 लाख प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2%, देखो सेम आंसर आएगा 20 लाख प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% सेम आंसर आएगा है ना। तो जब छोटा सम होता है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा सम आएगा तो ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। आगे बढ़े, अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 1.5 लाख रुपया। इफ द वैल्यू ऑफ द लैंड एप्रिशिएट्स बाय 12% एवरी ईयर देन फाइंड द प्रॉफिट दैट द मैन विल बी मेकिंग बाय सेलिंग द प्लॉट आफ्टर 2 ईयर्स। अभी मेरा दाम कितना है 1.5 लाख, एक साल बाद प्लस 12%, एक साल बाद प्लस 12%, देखो तो कितना आएगा, ये देखो तो प्लस 12% करने से कितना आ रहा है, देखो तो 1,68,000 और यहां पर कितना आ रहा है 188,160 आ रहा है, करेक्ट। तो गेन कितना हुआ, उसको गेन कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू 38,160 क्लियर है, कोई मुसीबत यहां तक। नेक्स्ट, अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली, कौन सा बेसिस बोला है, हाफ ईयरली बोला है। अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 ईच ऑन जनवरी 1st एंड 1st जुलाई ऑफ अ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड, सुनो मेरा बात ध्यान से, पहले 1600 रुपया था जमा, इस पे 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा हाँ या ना, 5% पूरे साल का तो 6 महीने का कितना, जो भी आएगा उसमें 1600 रुपया और जोड़ देंगे, ये 1-1 से लेकर के 36 का इंटरेस्ट हुआ और ये एडिशनल डिपॉजिट फिर प्लस कर दो 2.5% तो वैल्यू मिल जाएगा एट द एंड कितना आ रहा है माइनस 3200 मेरा खुद का था तो 121 मेरा क्या हो गया गेन, तो आप देख सकते हैं परक्यूजिट्स ऑफ लर्निंग ए कैलकुलेटर। नेक्स्ट, 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट, मेरा बात ध्यान से सुनो, पर लिखो रेट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वैल्यू बाई नंबर ऑफ ईयर्स, रेट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वैल्यू बाई नंबर ऑफ ईयर्स, रेट इज इक्वल्स टू, ये भी शॉर्टकट है, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू बाई नंबर ऑफ ईयर्स। सर ये चीज कैसे पॉसिबल हो रहा है, लिखो लॉजिक लॉजिक लॉजिक, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, तो 60% अगर 6 साल में बढ़ा है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 10%, जो कि मेरा रेट है,
लॉजिक में क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, तो 60% 6 साल में बढ़ा तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, 10%, ये मेरा रेट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो या तो हमरा वाला फॉर्मूला से लगा लो, बट अभी हम क्या बोले, छोटा समय तो टेक्निक क्या अप्लाई करेंगे, 12,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% अमाउंट आ गया माइनस 12,000 इक्वल्स टू, माइनस 12,000 इक्वल्स टू कितना, 3972। 12,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% माइनस 12,000 इक्वल्स टू, बोलिए क्लियर है ये चीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर डेढ़ साल एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, कोई बात नहीं, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली बोल रहा है, ठीक है। तो ये जब भी इस टाइप का सम्स आएगा ना, तो दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है, दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, ये प्रिंसिपल हुआ, अच्छा कंपाउंडेड ईयरली में वैल्यू ज्यादा आएगा कि हाफ ईयरली में वैल्यू ज्यादा आएगा, हाफ ईयरली में ज्यादा आएगा, तो 1 प्लस आई बाई 2 पावर में 2n माइनस 1 प्लस आई पावर में n, समझे इसका मतलब। अगर आपको ईयरली एंड हाफ ईयरली का डिफरेंस पूछेगा तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना, वरना आप अलग अलग निकाल के फिर माइनस कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट शॉर्टकट में यही होगा। क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बोलता तो पहले क्वार्टरली आता बाद में हाफ ईयरली आता, समझ रहे हैं। बड़ा कौन सा होता है जिसमें ज्यादा बार कंपाउंडिंग होता है, जिसमें ज्यादा बार कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपना ये ट्रिक से सम करेंगे तो क्या बैठेगा, 25,000 ब्रैकेट में क्या बैठेगा, 1 प्लस 0.02 टू द पावर 3 है ना, 1 प्लस 0.02 कैसे हुआ, 4% एक साल का, तो हाफ ईयरली में 2% रहेगा, माइनस 1 प्लस 0.04 टू द पावर 3/2। सर ये 3/2 कैसे आया, पावर में 1.5 मतलब 1.5 का मतलब 3/2, और 3/2 का मतलब हम बताएंगे तुम लोग को, 3/2 का मतलब पता है क्या होता है, पहले क्यूब निकालो फिर रूट करो, 3/2, 3 मतलब क्यूब, बाय 2 मतलब रूट, तो लिखो एक जगह पावर में 3/2 का मतलब क्या होता है, पहले क्यूब फिर रूट, पहले क्यूब फिर रूट, पहले क्यूब फिर रूट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस 0.02 इंटू इक्वल्स टू इक्वल्स टू एम प्लस 1 प्लस 0.04 इंटू इक्वल्स टू रूट एम माइनस 2 बार एम आर सी इंटू 25,000 इक्वल्स टू 2 बार एम आर सी इंटू 25,000 इक्वल्स टू, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 प्लस 0.02 इंटू इक्वल्स टू, तो ये 1 प्लस 0.02 का क्यूब आ गया, इसके पहले साइन प्लस का इसीलिए एम प्लस, और 1 प्लस 0.04 इंटू इक्वल्स टू क्यूब आ गया, क्यूब के बाद रूट करना था, एम माइनस 2 बार एम आर सी इंटू 25,000 इक्वल्स टू, ठीक है। एक सेकेंड विकास मेरा कैलकुलेटर देखा तू बैक से, वन प्लस 0.02 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस 1,
15.298, मतलब 15.3 इज द राइट आंसर, 15.3 इज द राइट आंसर, 15.3 इज द राइट आंसर. ओ ये लोग 5,000 पे निकाल लिया सॉल्यूशन में, 25,000 कर दो उसको, उसको 25,000 करो. करेक्शन कर लो बुक में, ये 1525 होगा और ये 1530 होगा. ये 15 एक्चुअली डेसिमल एरर किया है, ये 1514. हम लोग का आंसर राइट है, मतलब बुक का सॉल्यूशन गलत है, तो आप ठीक से करना. और जब भी ऐसा होगा चार डेसिमल प्लेस लेंगे आपने, लिख लो कैलकुलेशन के वक्त चार डेसिमल प्लेस लेंगे, कैलकुलेशन के वक्त चार डेसिमल प्लेस लेंगे, कैलकुलेशन के वक्त चार डेसिमल प्लेस लेंगे और आंसर लिखते वक्त टू डेसिमल प्लेस, और आंसर लिखते वक्त टू डेसिमल प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. The compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum is 4347. बेटा प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, अमाउंट निकल जाएगा और प्रिंसिपल पता है, आई पता है, एन का फॉर्मूला लगा दो, लॉग ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई. log a by p by log 1 कितना है डिनोमिनेटर बताना मेरे को, डिनोमिनेटर कितना आया, वन पॉइंट जीरो सेवन को 12 बार स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू कितना आया डिनोमिनेटर, 0.0294. फिर 34347 डिवाइडेड बाई 30,000 इक्वल्स टू उसका लॉग निकालना है, तो 12 बार रूट 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू 0.0588 डिवाइडेड 0.0294. दो साल आंसर आएगा, दो साल आंसर आएगा. तो जरूरी नहीं आपको अमाउंट डायरेक्टली दिया रहे, आपको ये सब चीज में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. लॉग का मतलब कैसे निकालते हैं, लॉग जो भी नंबर रहता है उसको 12 बार स्क्वायर रूट माइनस 1 इनटू 1779 इक्वल्स टू. नेक्स्ट विंटेज लिमिटेड बाय अ मशीन फॉर 20,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, फाइंड द डेप्रिशिएट वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स. तो यहां पर भी एक चीज सीख लो, 20,000 माइनस 10% करोगे तो क्या आएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस 10%, सेकेंड ईयर माइनस 10%, क्या
थर्ड ईयर कितना आ रहा है वैल्यू? 14,580. अब इसको 20,000 से माइनस कर दो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 5,420. तो लिख लो, कॉस्ट माइनस आर परसेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी वी एट द एंड ऑफ द ईयर. कॉस्ट माइनस आर परसेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी वी एट द एंड ऑफ द ईयर. कॉस्ट माइनस आर परसेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी वी एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी वी एट द एंड ऑफ द ईयर. क्लियर है ये चीज? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी टू ईयर्स अगो वॉज 125,000. दो साल पहले 125,000 था. ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%. फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन. ठीक है, 125,000 से माइनस कर देगा 4%, फिर माइनस कर देगा 4%. कितना आ रहा देखो, 115,200. इसको इससे माइनस कर दो तो माइग्रेशन का अमाउंट आ जाएगा. सर इंक्रीज बोलता है तो प्लस करते हैं, डिक्रीज बोलता है तो माइनस करते हैं. इंक्रीज बोलता है तो प्लस करते हैं, डिक्रीज बोलता है तो माइनस करते हैं. क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ टीवी डेट वॉज परचेज इन जनवरी 2018 डेप्रिशिएट्स एट 12% पर एनम. इफ इट्स वैल्यू इन जनवरी 2019 इज 4,840, व्हाट वॉज द परचेज प्राइस ऑफ द टीवी? इसका मतलब 1/1/2018 से 1/1/2019, मतलब एक साल, 1/1/2018 से इसको 17 कर दो, क्वेश्चन को 17 कर दो, क्वेश्चन को 17 कर दो. तो 1/1/17 से 1/1/19 कितना होता है? दो साल होता है. ठीक है, मतलब x माइनस 12% माइनस 12% इज इक्वल टू 4,840, है ना? इसका मतलब x निकालने के लिए क्या करना पता है? 4,840 डिवाइडेड बाई 88% डिवाइडेड बाई 88%. कितना आ रहा है? अगर इधर माइनस हो रहा है तो वहां डिवाइड होगा. वहां भी डिवाइड होगा, बता रहे. सुनो मेरा बात ध्यान से. देखो, अगर P प्लस एक्स परसेंट कर रहे हैं तो अमाउंट आ रहा है. तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A डिवाइडेड बाई 1 + x / 100. इसका मतलब अगर 1000 + 12% करने से 1120 आ रहा है तो 1120 डिवाइडेड बाई 1.12, सॉरी ये 1 + x ही रहने दो, इसको परसेंट कर दो, 112% करने से ये आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो. P प्लस एक्स परसेंट करने से अमाउंट आता है, तो 1000 + 12% करने से 1120 आया. तो P निकालने के लिए A डिवाइडेड बाई 1 + x% करना पड़ेगा और अगर P माइनस एक्स परसेंट करने से एक वैल्यू आता है तो P निकालने के लिए A डिवाइडेड बाई 1 - x%. तो 1000 - 12% करोगे तो 880 आएगा. तो 880 से डिवाइड करना पड़ेगा 88%, तब जाके 1000 आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हाँ, मतलब वही 100 + x होगा, 100 - x, 1 मतलब 100 हो गया यहाँ पर. ठीक है,
आगे कुछ सम्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो पक्का करेंगे ये फॉर्मूला. फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली. सुनो ध्यान से, 12% कंपाउंडेड क्या बोला, 12% कंपाउंडेड मंथली. तो 1 plus 0.12 by 12 whole into 100. सर कैलकुलेशन बताइए, पहले 0.12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंटू 3 बार इंटू 2 बार. 12 को ब्रेक कर दिया 4 into 3 में, 12 को ब्रेक कर दिया 4 into 3 में, माइनस 1 into 100. आप लोग सब कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों अच्छे से कॉपी करेंगे. पहले कॉन्सेप्ट, 1 plus 0.12 by 12 whole to the power 12 minus 1 whole into 100. फिर कैलकुलेशन कॉपी करेंगे, 0.12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ये 4 आ गया, फिर इंटू 3 था, इंटू इक्वल्स टू माइनस 1 into 100. चलिए 8% क्या बोला, 8% को तो कॉन्सेप्ट 1 plus 0.08 by 4 power में 4 minus 1 into 100. ये मेरा कॉन्सेप्ट है. कैलकुलेशन क्या होगा, 0.08 by 4 plus 1 into 3 bar equals to minus 1 into 100 equals to 0.08 divided by 4 plus 1 into 3 bar equals to minus 1 into 100 equals to 8.24%. तीन नंबर का कॉन्सेप्ट बताइए, 10% हाफ ईयरली बोला है, 1 plus 0.10 by 2 whole square minus 1 whole thing into 100. तो कैलकुलेशन क्या होगा, 0.10 divided by 2 plus 1 into equals to minus 1 into 100 equals to 10.25%. क्लियर है. चार नंबर, पांच नंबर सिमिलर टाइप का है, कर लीजिएगा. विच वन इज बेटर लिखो, जब भी विच वन इज बेटर बोलेगा, विच वन इज बेटर का आंसर कैसे निकालते हैं, विच वन इज बेटर का आंसर क्या होगा. ऑप्शन विथ बेटर इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन विथ बेटर इंटरेस्ट रेट,
ऑप्शन विथ बेटर इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन विथ बेटर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 इयर्स बी इक्वल टू 4/9 ऑफ इट्स अमाउंट फॉर दैट पीरियड। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से आप, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 इयर्स एट अ सर्टेन रेट इज 4/9 ऑफ इट्स अमाउंट फॉर दैट पीरियड, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल कर दीजिए, ये ऑफ इट्स सम। तो प्रिंसिपल एक्स, रेट पता नहीं, टाइम 20/100 इक्वल्स टू 4x/9। सॉल्व करिए कितना आ रहा है आर का आंसर, कितना आ रहा है आर का आंसर, 20/9%, ठीक है, 20.9% आ रहा है पक्का। अगर ये अमाउंट ही रहता तो कैसे करते, अगर ये अमाउंट ही रहता तो कैसे करते, चीज को समझिएगा। तो हम लोग को यहां पर अमाउंट को एक्स पकड़ना पड़ता, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता, 4x/9। अगर अमाउंट को एक्स पकड़ते तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता, 4x/9। तो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 5x/9। अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मतलब 5x/9, ठीक है। यहां तक डन है, हाँ, प्रिंसिपल तक क्लियर है, बस अब पुट कर दीजिए 5x/9 इंटू R/100 इंटू टी इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो R का आंसर आ जाएगा 4% पर एनम, R का आंसर आ जाएगा 4% पर एनम, R का आंसर आ जाएगा 4% पर एनम, क्लियर है। तो दोनों टाइप का करा दिया मैंने आपको, अच्छा अभी खाली डिस्कस करेंगे। 4000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 7, रेट दिया हुआ है 6, ये सब आपसे हो जाएगा। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड मंथली, मंथली बोला है, मेरा बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब 12n इज इक्वल्स टू log 2, सर 2 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज डबल बोला है, तो a बाई पी का वैल्यू यहां क्या हो गया, 2 बाई log 1 प्लस 0.12 बाई 12, 12n इज इक्वल्स टू log 2 by log 1 plus 0.12 by 12, तो 12n इज इक्वल्स टू log 2 by log 1.01, बिकॉज 0.12 by 12 plus 1 करेंगे तो वही आएगा। तो log 2 का आंसर निकालिए, log 1.01 का आंसर निकालिए, जो भी डिवाइड करके आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 12 कर दीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 12n है।
बताइएगा लॉग टू का क्या आ रहा है? 0.30, उसके बाद ऊपर में जीरो, जीरो का क्या है? 0.30 आ रहा है ना, और बाई पॉइंट, हाँ तो क्या आ रहा है 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0043, जो भी डिवाइड बाय 12, 5.83, मतलब 84 इज, दिस इज द आंसर, 5.84 इयर्स इज द आंसर, 5.84 इयर्स इज द आंसर, क्लियर? 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली अभी किए हैं दो मार्क्स वाले में। पांच नंबर बोल दिए कर लेना। छह नंबर ट्रिपल एन इन्वेस्टमेंट बोला है, ट्रिपल एन इन्वेस्टमेंट बोला है, तो 114/R, तो 114/10 मतलब 11.4, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा? 11.5। इसको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखो, इसको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखो, इसको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखो। एन इज इक्वल्स टू लॉग 3/log 1.10, इसको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखो। एन इज इक्वल्स टू लॉग 3/log 1.10, एन इज इक्वल्स टू लॉग 3/log 1.10, एन इज इक्वल्स टू लॉग 3/log 1.10, ठीक है ना? तो करो, देखो सेम आंसर आ रहा है क्या? लॉग 3 का वैल्यू कितना आएगा? 4772, ठीक है। और नीचे जीरो पॉइंट जीरो, ठीक से बोलो, 0., हाँ तो 0.0, ए मेरा भाई ये ठीक से बोलो, ये log 3 का वैल्यू क्या आएगा? 0.4772 होगा ना, 0.4772 डिवाइडेड बाई 0.0414, 11.526 मतलब 11.53, मतलब 11.5 इज अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, 11.5 इज अप्रोक्सीमेट आंसर। सेवन नंबर में क्या बोला है? सेवन नंबर के लिए क्या बोला है? सेवन नंबर के लिए क्या बोला है? डबल बोला है, तो एन इज इक्वल टू 72/R, तो 72/8 करने से 9 इयर्स आंसर आएगा, मतलब 9%। ये मेरा शॉर्टकट हो गया, बट क्रॉस चेक करो, लॉग टू नहीं, एयर्स दिया हुआ है, राइट है, 9% राइट है। एक बार क्रॉस चेक हम लोग कैसे करेंगे? क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेटर निकालो, 1.09 to the power 8 निकालो, कितना आता है? 1.09 to the power 8 निकालो, कितना आता है? 1.09 to the power 8 निकालो, कितना आता है? 2 आया ना, तो डबल हो ही है। नेक्स्ट वाला में क्या होगा? लॉग 7000/4000 होल डिवाइडेड बाय लॉग 1+0.07, लॉग ए बाई पी बाई लॉग 1+i। लॉग 7000/4000 होल डिवाइडेड बाई लॉग 1+0.07, ठीक है, तो लॉग 7000/4000 मतलब लॉग 1.75, और नीचे क्या आएगा? लॉग 1.07।
नाइन नंबर वाला का क्या होगा, लॉग टू बाई लॉग 1.06, डबल बोला है ना, लॉग टू बाई लॉग 1.06, नाइन नंबर का लॉग टू बाई लॉग 1.06, लॉग टू बाई लॉग 1.06, लॉग टू बाई लॉग 1.06, आगे बढ़े। देखिए सारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो जिसका कॉन्सेप्ट पता है हम लोग को वहां पर खाली फॉर्मूला लिख करके हम लोग उसको छोड़ देंगे, आप लोग कैलकुलेशन बाद में ट्राई कर लीजिएगा। अ पर्सन डिपॉजिटेड 1000 इन अ बैंक एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, आफ्टर 5 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज इंक्रीज टू 6%, आफ्टर कितना ईयर्स, 5 ईयर्स, एंड आफ्टर 4 मोर ईयर्स द रेट वॉज फर्दर इंक्रीज टू 7%, द मनी वॉज विदड्रॉन एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स। एकदम झमेला मत करना, लिखो 1000 प्लस 5% ब्रैकेट में 5 टाइम्स, प्लस 6% ब्रैकेट में 4 टाइम्स, तो 9 साल का हिसाब हो गया, प्लस 7% ब्रैकेट में 3 टाइम्स, टोटल 12 साल है ना, तो 9 साल का तो हिसाब हो गया, बच गया 3 साल और, करके देखो 1000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 5 बार होने के बाद प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6%, ये 4 बार हो गया, और प्लस 7% प्लस 7% प्लस 7%, 198.8%, मतलब ए आएगा आंसर में। तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन आंसर होगा वो लेंगे अपने। 9 का आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 11.90, लिख लो बगल में, 9 का आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 11.90, 9 का आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 11.90। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ पर्सन डिपॉजिटेड 4000 इन अ बैंक एट 6% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, आफ्टर 3 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज इंक्रीज टू 7%, कितना साल बाद, 3 साल बाद, आफ्टर 5 मोर ईयर्स, मतलब 3, 5, 2, टोटल 10 साल है ना, तो 4000 प्लस 7% कितना बार, 3 बार, प्लस 6% सॉरी, प्लस 7% कितना बार, 5 बार, प्लस 8% कितना बार, 2 बार, करिए, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, और 10 साल के बाद निकाल लिया, 2 साल और, चार हजार प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% प्लस 7% कितना बार, 5 टाइम्स, प्लस 8% कितना बार, 2 टाइम्स, कितना आ रहा आंसर, मतलब बी इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। सही है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 12। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000, इफ द एनुअल बर्थ इज 4%, एनुअल डेथ, मतलब नेट इंक्रीज कितना होगा, 4 माइनस 2%, लिखो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है, 4% माइनस 2%, दैट इज 2%, 2 साल के बाद निकालने बोला, तो 20,000 प्लस 2% प्लस 2%, 20,000 प्लस 2% प्लस 2%, प्लीज राइट डाउन द टेक्निक्स ऑल्सो, 20,000 प्लस 2% प्लस 2%, 20,000 प्लस 2% प्लस 2%, ठीक है ना।
Next. The value of a residential flat constructed at a cost of 1 lakh is depreciating at the rate of 10% per annum. Its value after 3 years of construction. So 1 lakh minus 10% minus 10% minus 10%. 1 lakh minus 10% kitna bar? 3 times. A sum of money double itself in 5 years. In how many years it will become fourfold? Ek cheez mera baat dhyan se sunna. 2x equals to x 1 plus I to the power 5. Yahi bola hai na question mein. Likho given. 2x equals to x 1 plus I to the power 5. Ye diya hua hai. Iska matlab 2 ka value kya ho gaya? 1 plus I to the power 5. 2 ka value kya ho gaya? 1 plus I to the power 5. Yahan tak done. 4 fold ka matlab kya hota hai? 4x. To 4x equals to x 1 plus I to the power n. Hai na? To 4 is equals to 1 plus I to the power n. Ab 4 ko tum kya likh sakta hai? 1 plus I to the power 5 ka whole square. Likh sakta hai ki 4 kya hota hai? 2 ka square hota hai. Iska matlab n ka answer kya ho gaya? 10. Kyunki isko hum log kya likhenge? 1 plus I to the power 10. To left hand side mein 1 plus I to the power 10 hai aur right hand side mein 1 plus I to the power n hai. To n ka answer kya ho gaya? 10. Concept kya bolta hai? Dekho dhyan se mera baat sunna. कॉन्सेप्ट बोलता है ये x है, ये 2x, ये 3x, ये 4x. अगर x को 2x होने में 5 साल लगता है, x को 2x होने में 5 साल लगता है, तो आने वाला 5 साल में वो 4x हो जाएगा. कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि ये प्रिंसिपल था, इसको डबल होने में 5 साल लगा. अब ये मेरा प्रिंसिपल है, इसको डबल होने में भी 5 साल ही लगेगा. तो x अगर 2x हुआ है 5 साल में, तो x को 4x होने में 10 साल लगेगा. 5 plus 5. 8x होने में 15 साल लगेगा. 5 plus 5 plus 5. इस हिसाब से अपने कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है? A certain sum of money double itself at a certain rate of compound interest in 3 years. In how many years will the ratio of the principal to the compound interest become 1 by 3? A certain sum of money double itself at a certain rate of compound in 3 years. कोई बात नहीं, एकदम घबराना नहीं है. 72 by 3, 24% पर आना मेरा rate of interest आया. अब तुमसे 3 times पूछ रहा है, मतलब 114 by 24, 4.75. कितना आ रहा है? 4.75. एक बार हम लोग चेक कर लेंगे. कैसे चेक करेंगे सर? Log 3 by log 1.24 कितना आ रहा है? Log 3 by log 1.24, क्योंकि 4.75 और 5 में बहुत फर्क है. अगर 4.934 कुछ आता ना तो दिक्कत नहीं था. डबल का फॉर्मूला क्या है? 72 बाय आर इक्वल्स टू एन. तो यहां 72 बाय एन लगा के हम लोग आर निकाल लिए. कितना आ रहा है?
ये तो अप्रोक्सीमेट आंसर देता है ना हम लोग को, मतलब 5 years। और एक तरीका है चेक करने का, बोलो कैसे? कैसे? देखो 2x इक्वल्स टू x 1 प्लस आई का क्यूब दिया हुआ है, x x कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आई का क्या क्यूब, और I इक्वल्स टू 2 का क्यूब रूट माइनस 1, और I इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब रूट माइनस 1। क्यूब रूट निकालना आता है? 2 12 बार स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। 2 को 12 बार स्क्वायर रूट करेंगे, माइनस 1 डिवाइड बाई 3 क्यूब, बिकॉज ये 1 बाई 3 है इसीलिए। 2 को 12 बार स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, जो भी वैल्यू आएगा माइनस 1 इंटू 100, इससे मेरे को R मिल जाएगा। R कितना है? आई एम वेरी सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, स्क्वायर था ना पहले, तो नहीं सही है, एकदम सही, नहीं नहीं सही कर रहे एकदम सही। आई कितना आएगा, आर कितना आ रहा है, देखो आर कितना आएगा, कितना आ रहा है, 26%। आर कितना आ रहा है, 26% आया, तो एग्जाम में ऐसे ही करना, यही मेथड फॉलो करना, फॉलो दिस मेथड ओनली, इससे मेरा एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आर 26% आ गया, तो लॉग 3 बाय लॉग 1.26, लॉग 3 बाय लॉग 1.26, अब करके देखो जो आएगा वही एन होगा, करेक्ट एकदम अप्रोक्सीमेट। कितना पगला हो गया, 4.75 आ रहा है ना, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज में टिक करके आना, क्योंकि हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे आंसर हम लोग का 4.75 आ रहा है, तो नन ऑफ दीज होगा ये। इसका मतलब हम लोग का वो ट्रिक खराब नहीं है, 72/R वाला अप्रोक्सीमेट वो सही आंसर ही दे रहा है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो क्या होगा, देखो x को 2x होने में कितना टाइम लगा, 3 साल, 3x होने में और 3 साल लगेगा, मतलब 6 साल, लॉजिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो अगर एक्स रुपये कमाने के लिए 3 साल लगा तो और एक्स रुपये कमाने के लिए और 3 साल लगेगा। नेक्स्ट 17, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट दुगना होता है 3 साल में, तो 8 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 4 8, 3 6 9, अभी समझाए थे एक्स से 2x होने में कितना लग रहा है, 3 साल, तो 2x से 4 होने में 6 साल, 4x से 8x होने में 9 साल। An amount of money grows up to 8,000 in 2 years and up to 8,500 in 3 years. याद करो वो दिन, पहला क्लास वाला A2 A3 वाला समझा नहीं रहे थे, A2 दिया हुआ है 8,000, A3 दिया हुआ है 8,500, A2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, P3, तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, A3 माइनस P3 कितना आया, 500 आया,
तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बाई पी थ्री इंटू 100। कितना आ रहा है, 6.67% आ रहा है, 6.25 आ रहा है क्या, 500 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100, 6.25%। लिख लो, सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड इन फर्स्ट क्लास, सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड इन फर्स्ट क्लास। सर अगर प्रिंसिपल निकालने बोलते हैं तो क्या करते सर हम लोग, क्या होता, 8000 इक्वल्स टू एक्स, 1 प्लस 0.0625 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0.0625 इनटू इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 8000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल आ जाता, जिसको हम लोग एक्स माने हैं। अगर सेम सम में प्रिंसिपल निकालने बोलते तो कैसे करते हैं? पहले तो भाई राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो, उसको फिर शिफ्ट कर दो। कुछ देर पहले एक टेक्निक और बताए थे, प्रिंसिपल निकालना है करके देखो तो आंसर आ रहा है क्या। कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स टू फाइंड आउट द आंसर। तो हम लोग को ये पता चला इतना सारा एग्जांपल करने के बाद भी ये सब क्वेश्चन में नया नया टेक्निक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 40 फॉर द फर्स्ट टू इयर्स एंड 122 फॉर द फर्स्ट थ्री इयर्स, फाइंड द सम इफ द रेट इज सेम इन बोथ द केसेस, फाइंड द सम इफ द रेट इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग ने, दो साल का डिफरेंस दिया, तीन साल का डिफरेंस दिया है, हम लोग को सम निकालने बोला है, रेट बोल दिया सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी टू कितना दिया हुआ है, 40, और डी थ्री, डी टू का फॉर्मूला क्या है और डी थ्री का फॉर्मूला क्या है, सही लिखा है हमने। तो ये जो पी इंटू आई स्क्वायर है, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूं, आ गया तो आंसर, आई इक्वल्स टू 122 बाई 40 माइनस 3, और आर निकालना है तो इस पूरा चीज को इंटू 100, तो 122 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 3 इंटू 100, 5% आ गया। ले आओ बड़ा से बड़ा सम, ले आओ एक मिनट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, द एस आई ऑन अ सर्टेन सम फॉर टू इयर्स इज 71.4 एंड सी आई दो साल का दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है, क्या निकाल सकते हैं आप लोग, क्या निकाल सकते हैं आप लोग, सुनिए ध्यान से मेरा बात। क्वेश्चन नंबर 20, अरे आई आ गया ना 4%, तो अब निकाल लो, पी इंटू 0.04 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40, मतलब 40 डिवाइड बाय 4% डिवाइड बाय 4%, सॉरी 5, पी डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइड बाय 0.05, P इंटू 0.05 का स्क्वायर 40, P कितना आ गया,
16,000 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए बढ़िया से। क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 71.40 और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 70। ये दो दो साल के लिए है। अब मजा देखना, ये SI का लाइन है, ये CI का लाइन है। हम इसको 35-35 लिख सकते हैं, 35-35। क्यों? कांस्टेंट रहता था, 70/2 कर दिए। और बेटा पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, बिकॉज कंपाउंडिंग तो नेक्स्ट ईयर से हो रहा है। लिखो, वी नो दैट CI and SI फॉर द फर्स्ट ईयर इज सेम, CI and SI फॉर द फर्स्ट ईयर इज सेम, CI and SI फॉर द फर्स्ट ईयर इज सेम। तो अगर फर्स्ट ईयर का 35 है तो ये क्या हो गया, 36.40। है ना? तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट क्या है? इंक्रीज इन इंटरेस्ट कितना है? और ये इंक्रीज किसके लिए है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के ऊपर। ये इंक्रीज इन इंटरेस्ट क्यों आया है? क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हुआ था। तो रेट क्या होगा? इंक्रीज इन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, इंक्रीज इन इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर बाई क्या इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू 100। चार परसेंट आ रहा होगा, 1.4/35 × 100, 4% आंसर है। ठीक है ना? इफ द डिफरेंस बिटवीन CI and SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज 248, कोई बात नहीं, P × I² × 3+I इज इक्वल्स टू 248। कैलकुलेटर निकालो, 248 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 3.1 इक्वल्स टू 8,000 इज द आंसर। कौन सा 3.1 है? ये 3+0.1 का है ना? ठीक है, क्या बोला? देखो, 10% पहला 2 साल और उसके बाद कितना परसेंट, कितना साल? 3 years, राइट? उसके बाद कितना साल? 3 years। और वैल्यू कितना है? 10,000, राइट? चलो लिखो, 10,000 ब्रैकेट में 1 − 10/100 का स्क्वायर इंटू 1 − 7/100 का क्यूब लिख सकते हैं। पहला 2 साल, बाद का 3 साल,
तो 10,000 इंटू 90 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 93 का क्यूब बाई 100 का क्यूब। अगर भाई डायरेक्ट आंसर निकालना होता ना अभी तो हम निकाल चुके होते, बट सम का ऑप्शन को फॉलो करना है। सम के ऑप्शन में कुछ इस टाइप का चीज दिया हुआ है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 90 इंटू 93 का क्यूब बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, यही बच रहा है। 00 कैंसिल, 100 भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बचा 81 इंटू 93 का क्यूब बाई 10^4। इसके अलावा कोई आंसर है तो बताओ। 81 इंटू 93 का क्यूब बाई 10^4, तो जैसा देश वैसा भेस। हाँ लिख लो, अगर डायरेक्ट निकालना होता वैल्यू तो क्या करते, 10,000 माइनस 10% टू टाइम्स 7% थ्री। प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 108% डिवाइडेड बाई 108%। तो देखो इसको हम लोग नॉर्मली अगर लिखते हैं तो कैसे करते हैं, 10,000 इज इक्वल्स टू एक्स 1+0.08 पावर में स्क्वायर, करेक्ट, तो 1+0.08 इंटू इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 10,000 इक्वल्स टू, नॉर्मली करते तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अगला सम में सेम कॉन्सेप्ट बोला है और बोला है हाफ ईयरली है, तो 10,000 इक्वल्स टू एक्स 1+0.08/2 पावर में 4 हो जाएगा, करेक्ट, पावर में 4 सही बोले ना, बोलेगा तो हाँ या ना, तो 0.08/2+1 इंटू 3 बार इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 10,000 इक्वल्स टू। पॉइंट जीरो एट डिवाइड बाई 2+1 इंटू 3 बार इक्वल्स टू क्यू करें, बिकॉज पावर में 4 है इसीलिए, डिवाइड इक्वल्स टू क्यू उसको वहाँ शिफ्ट करना है, और इंटू 10,000 मतलब अमाउंट इक्वल्स टू, कितना आंसर आ रहा है 85, हाँ मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ये सब वैसे ही करना है, जितना भी क्वेश्चन है सब वैसे ही है। तो मोटा मोटी हम सारा सम्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।